दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई और हौसला आया, उसके बाद उसी देवनी की धरती पर मनाएंगे। लेकिन आप चुनाव लड़ो, हम नरेश मीणा बनकर एक एक घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पेड़ पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे मतदान के लिए, ये आंसू का सैलाब है। पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेता की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, अगर भाई साहब हनुमान जी, बेनिवार रविंद्र जी, भाटी राजकुमार जी, रोक और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद, अगर देवनी उनियारा की यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए विधानसभा भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेरी घाट और झुके रहो जाट काम को कोनी, टूटेरी घाट और झुके रहो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी कर रहे हो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार रोत उसके साथ खड़ा है, भारत से लेकर पूर्वी राजस्थान तक, अब हनुमान छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा, जो सुप्रीम बहुत दिनों से देखते थे। आने वाले समय में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। मैं भाई रविंद्र भाटी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से मन भेजते 25 साल मेरे काम किया दोनों समाजों में, जिस तरह से मैंने गुजर मेरा समाज को एक कर दिया, भाई रविंद्र भाटी जी बड़ा दिल बता के, भाई हनुमान जी आप भी बड़ा दिल करके दोनों भाई उनियारा में एक मंच में आ जाना। अगर आप दोनों रविंद्र भाटी हनुमान बेनीवाल दोनों एक मंच में आ गए तो ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि जाट और राजपूतों के दो नेता एक साथ खड़े साथियों। उसने यूथ के दम पर अपना माहौल बनाया है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ दोनों सीटों पर राजकुमार रोत की पार्टी को जिताना। मेरे भाइयों, ये जो हनुमान बेनीवाल है, ये जो राजकुमार रोत है, ये जो नेता है, हो सकता है इनमें कोई कमी होगी, क्योंकि कमी तो भगवान में भी रही है भाई, अगर कमी नहीं हुआ आदमी में तो हम भगवान बन सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, गाँव में कहावत है, नामा मामा से तो काड़ा मामा ठीक है, ये जो दुनिया में तुम्हें नेता नांगड़े दिख रहे हैं, ये जो नील लगा लगा के दिख रहे हैं, और मुझे दर्द हुआ जो चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए प्रियंका गांधी वहाँ उसके विधान लोकसभा में पहुंची और लोग इसके लोकसभा में पहुंचे। इसलिए मेरे युवा साथियों, 84 में भी और जिताना, सलूमर में राजकुमार रोत को जिताना, और खीवसर में सभी जाट भाइयों से निवेदन है, ये डमी कैंडिडेट है, ये जो एजेंट है बीजेपी कांग्रेस के डांगा, और ये रतन चौधरी, इनको हरा कर मेरे बड़े भाई हनुमान को जिता कर लाना। नरेश मीणा का कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुका है, विधानसभा में चुनाव अगर जीतता हूँ और जिन शेरों का, जिन टाइगरों का, जिन महान पुरुषों का नाम मैं ले रहा हूँ, अगर ये सच्चे मन से एक साथ बैठ जाता है, हनुमान बेनीवाल का सपना विधानसभा उपचुनाव, रविंद्र भाटी जिस मकसद से राजनीति में उस रविंद्र भाटी का मकसद पूरा करूंगा, यहाँ पर जो राजकुमार जो मकसद है आगे जाने का पूरा करूंगा। उम्र में हो गया राजनीति में, उम्र में राजकुमार, मैं हनुमान से छोटा हूँ लेकिन राजकुमार से बड़ा हूँ, मैं सफाई रविंद्र से बड़ा हूँ लेकिन उम्र में राजनीति में मैं छोटा कद हो गया, जूनियर हो गया, जूनियर बनकर ही भाई रविंद्र को राजनीति में बड़ा भाई मानूंगा। भाई हनुमान जी मुझे राजनीति में भी बड़े और हमसे मेरी उम्र में भी बड़े, हम सब लोग एक जुट होकर इस राजस्थान नामांकन पत्र भी जा।